जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रूहानी एंड देसी इलाज में। दोस्तों मौसम चल रहा है माल्टे का, तो माल्टे के जो है ना वो तकरीबन हर बंदा इसको खाता है फल को, तो इसके जो छिलके हैं वो इसके बहुत काम आने वाले चीज़ है, ये मैदे के ऊपर अच्छा काम करते हैं। तो जब भी आप माल्टा खाएं तो इसके छिलके हैं जो वो आप छत के ऊपर रख दें या कहीं भी आप इसको रख दें, तो ये इंशाल्लाह इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन मेरा इलम थोड़ा सा महदूद सा इलम है, थोड़ा सा इलम है मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैदे के जो अमराज है, जलन है, तेजाबियत है, गैस है, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। तो ये छिलके आपने रखते जाना जितने आपको ज़रूरत है, पाव आधा किलो, 2 किलो खुश्क, जब आपके पास जितने हो। तो जब ये खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद इसके जो है ना जितना आपका इसका खुश्क का आपने इसका पाउडर कर लेना है। जो पाउडर आपके पास अगर 1 पाव है तो इसमें आधा पाव आपने काला नमक मिला देना है। काला नमक आपने ये एहतियात करनी है कि असली ले, तो वो उसको लेके खुद तो अपने सामने पसवाएं। अक्सर जो दुकानों से मिलता है उसमें काफ़ी मिलावट होती है, तो फिर वो उतना काम नहीं करता। तो ये काले नमक का आपने खसूसी ख्याल करना है कि खुद अपने सामने लेके पसवाएं उसको, या खुद पीस लें या कूट लें उसको। तो इसको जो है ना इसके निसफ वज़न में ला लें, जितने आपके ये छिलके हैं और इसके निसफ वज़न ये मिला लें आप काला नमक काला, तो ये आपकी एक फकी, बेहतरीन फकी और मुफ्त की फकी तैयार है। तो ये एक सियासी नुस्खा है ये। तो इसको आप आधा चम्मच जो है ना वो खाना खाने के बाद दिन में 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका जो है ना वो मैदे की कितनी प्रॉब्लम है वो इसी से हल हो जाएगी। तो बेहतरीन फ़ायदा है इसको ज़ाया ना करें और इसको संभाल के रखें, और इंशाल्लाह ये वाला आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जज़ाकअल्लाह।